हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक्सरसाइज 12.3 की वीडियो लेकर। पिछले वीडियोस में हम लोग 12.3 के 11 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो आज पांच और क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में जिनको हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उससे पहले आपसे एक बात कहें कि अगर आप पहले के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किए हैं तो अभी भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं फिगर बेस्ड, ये एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, यानी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रैक्टिस करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। इन फिगर ओ ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4 विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/2 सेंटीमीटर। आल्सो ओडी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ओडी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है और ये जो डिस्टेंस है पूरा वो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पहला इसमें जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता क्या है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 11 × 77 / 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यानी ये क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को अगर माइनस कर देंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, और वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस यानी ओ बी इंटू ओ डी। तो हाफ ओ बी की वैल्यू कितनी है? 7/2 और ओ डी की वैल्यू 2। 2 से 2 कट गया यानी 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्वाड्रेंट का 77/8 है और इसका 7/2 है। एलसीएम ले लें, 8 77 ये 28, आप सबट्रैक्ट कर लें तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना होगा? 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सो दैट वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इनस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। If OA equals to 20, find the area of shaded part. Pi equals to 3.14। कह रहा है कि स्क्वायर क्या किया गया है? एक क्वाड्रेंट के अंदर बनाया गया है और OA equals to 20 सेंटीमीटर है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 20 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को घटा दें तो शेडेड पार्ट निकल जाएगा। लेकिन पहले हमें क्या करना होगा? क्वाड्रेंट का एरिया और स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी 20 × 20 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और अगर हम लोग ये जो OB को ज्वाइन कर दें तो वो भी रेडियस ही होगा इस क्वाड्रेंट का। OB इक्वल्स टू रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। और साथ ही साथ OB और भी क्या है कि इस स्क्वायर का क्या है? वो डायगोनल है।
तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट टू इन टू साइड। अगर हमें डायगोनल फाइंड आउट करना हो एक स्क्वायर का, तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं रूट टू इन टू साइड। और साइड क्या है यहाँ पे, 20 है, यानी रूट टू इन टू 20। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 रूट टू सेंटीमीटर। मीन्स जो ये क्वाड्रेंट है उसका रेडियस कितना हो गया, 20 रूट टू सेंटीमीटर। अब हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई की जगह पे 3.14 वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर यानी 20 रूट टू का स्क्वायर, तो 20 रूट टू इंटू 20 रूट टू, 4 से ये 20 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 3.14 20 का 5 मल्टीप्लाई तो 100, और रूट टू का तो 2, 100 का 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे 314 और 2 से कर देंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलने का क्या करना होगा, क्वाड्रेंट के एरिया से स्क्वायर के एरिया को माइनस करना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, 628 माइनस 400 यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। जो हमारा ये शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या हो जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसका सलूशन आप लिखेंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सके, यानी क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये हमारा सलूशन था क्वेश्चन नंबर 13 का, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी डी आर आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कह रहा है कि ए बी और सी डी जो है वो आर्क हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के, ठीक है। ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियस 21 और छोटे वाले आर्क का 7 सेंटीमीटर। इफ एंगल इज 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो बड़े वाला जो आर्क है उसका एरिया माइनस छोटे वाले का आर्क का एरिया निकाल दें, तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट। तो हम पहले सॉल्व करें, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिग सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई 22/7, आर स्क्वायर यानी कितना वैल्यू है 21, तो हो जाएगा 21 इंटू 21, थीटा यानी 30 डिग्री बाई 360। सॉल्व करिए इसको, यानी 11 इंटू 21 बाई 2, ये हो जाएगा आपका 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग निकाल लें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉल सर्कल, तो उसमें भी यही होगा, पाई आर स्क्वायर यानी क्या है 77, थीटा यानी 30/360, 12 टाइम्स में कट गया, ये आपसे कट गया, यहाँ पे 2 से कट गया 11 टाइम्स में और ये 6 टाइम में, तो कितना हुआ 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी 231/2 माइनस 77/6, एलसीएम ले लेंगे 6, से मल्टीप्लाई हो जाएगा 693 माइनस 77, आंसर हमारा हो जाएगा 616/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप एक बार आंसर मिला लें, 616/6, ये 2 से कट कर 3 टाइम्स और ये 308 टाइम्स, यानी हो जाएगा हमारा आंसर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो आंसर है, ये इस शेडेड पार्ट का
एरिया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिए। अब इस एक्सरसाइज में दो और क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ताकि ये चैप्टर ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों समाप्त हो जाएंगे इन्हीं दोनों क्वेश्चनों के साथ। और ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी हैं थोड़ा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, इन फिगर एबीसी इज क्वाड्रेंट, एबीसी क्या है क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, एंड ए सेमी सर्कल ड्रॉन विथ बीसी ए डायमीटर, बीसी को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा किया गया। तो कह रहा है कि ये जो पार्ट है उसका एरिया निकालिए, है समझना। क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट पे एक ये डायगोनल जो इस पर एक और सेमी सर्कल है उसमें ये एरिया निकालना है। तो हम अगर पहले क्या करें, क्वाड्रेंट में से अगर सेमी सर्कल में से इस एरिया को घटा दें तो ये निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो वो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को घटा देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट दोनों वही हैं, 14 इंटू 14 टू से कट गया 7 टाइम्स में, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। अब क्या करें हम लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई 22/7 आर, यानी 14 इंटू 14 7 से 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 7 टाइम्स में, ऊपर बचा हमारा 22/7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग एक और काम कर लें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लें, लेकिन उसके लिए हमें उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो अगर इस ट्रायंगल में ए बी सी में हमें ए बी और ए सी दोनों पता है, तो क्या हम हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो क्या होगा हाइपोटेनस, यानी बी सी का स्क्वायर क्या होगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यानी बी सी इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और बी सी अगर डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ, यानी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14√2/2, यानी 7√2 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो गया होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 7√2 7 से कट गया, 2 से √2 × √2 कट गया, क्या बचा 22/7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो शेडेड पार्ट निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल घटाएंगे और जो आएगा उसको सेमी सर्कल में से माइनस कर लेंगे, यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल को किसमें से को से क्या घटाना है हमें, इस पार्ट को, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैल्यूज रख दें यहाँ पे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 154, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 154, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 98। ब्रैकेट ओपन करें, 154 माइनस 154 प्लस 98, 154 से 154 कट गया, आंसर कितना आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखने में बड़ी खतरनाक है लेकिन थोड़ा सा समझ के यहाँ पे करना था, और हमें आंसर क्या मिला 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर हमें बस ये निकालना होता इस तरह से सेमी सर्कल दिया होता तो क्या करते, सेमी सर्कल से इस पार्ट को घटा देते, निकल जाता, लेकिन एक क्वाड्रेंट में से दिया है तो क्वाड्रेंट से अगर इस ट्रायंगल को घटा दें तो ये मिल जाएगा,
फिर इसको सेमी सर्कल से घटा दे तो मिल जाएगा, यानी तीनों एरिया निकाल लिया और हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया, उसका आंसर भी मिल गया हमें। बस आप पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, हम इसको इरेज कर दें और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, सब लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। इसके साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, जो कि मेंसुरेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये हम लोग सर्कल का देखे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होगा सॉलिड्स का, डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, उनका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ द वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज। क्या कह रहा है, कैलकुलेट एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। एक डिजाइन रीजन है ये पूरा कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। दो क्वाड्रेंट हैं, एक क्वाड्रेंट पूरा ऐसे है और फिर एक और क्वाड्रेंट इसे भी बना है और वो क्या है, ये ऐसे है। तो हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, डिजाइन पार्ट का। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, रेडियस इसमें दोनों क्वाड्रेंट्स का कितना है, 8 सेंटीमीटर ही है। तो अगर हम लोग अभी ऊपर वाले को ना कंसीडर करें तब एक जो क्वाड्रेंट है उसका एरिया क्या होगा, और स्क्वायर का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 πr², यानी 1/4 π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8। ठीक है, r की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 8 है, तो यहाँ पे हम r की वैल्यू रख दें 8। ये 8 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 22 × 16/7 cm². ठीक, अगर आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर लें, आपको मिल जाएगा पूरा वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लें तो मिलेगा 352/7 cm². ये किसका एरिया हुआ, हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एक पूरा स्क्वायर भी बन रहा है, तो इसका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, यानी क्या हो जाएगा, 64 cm². अब जब हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया पता चल गया और स्क्वायर का एरिया पता चल गया, क्वाड्रेंट का एरिया इसका और पूरे स्क्वायर का, तो अगर स्क्वायर से इस क्वाड्रेंट को एरिया को घटा दें तो क्या मिलेगा, ये पार्ट बचेगा ऊपर, या फिर इसको घटाएं तो ये पार्ट बचेगा, दोनों बराबर ही हैं, यानी देयरफॉर एरिया ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दें, स्क्वायर का एरिया 64, क्वाड्रेंट का एरिया 352/7, एलसीएम ले लें 7, ये हो जाएगा आपका 448 − 352, सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 96/7 cm². ये जो एरिया लेफ्ट है ऊपर, ठीक है, उसका एरिया हमें मिल गया कितना, 96/7 cm². ये पार्ट जो बचा है उसका एरिया हम लोग निकालें, ठीक है, इस पार्ट का, या फिर कहिए तो इसका, दोनों बराबर हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऊपर से लें तो उसका भी क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट कितना आया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 352/7 cm², ये दूसरे भी क्वाड्रेंट का एरिया क्या है, इतना ही है, कितना 352/7। अब देखिएगा, हमें इसका एरिया पता चल गया है, ठीक है, अब उससे अगर इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया को घटाएं तो ये इसको तो क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा, सपोज करिए
ये पार्ट हमें निकालना है और ये हमें अभी पता चल गया है, तो इस पूरे से इस पार्ट को अगर घटा दें तो ये मिल जाएगा हमें कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है, मिल जाएगा ना। देयरफोर एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट, एरिया ऑफ डिजाइन पार्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया लेफ्ट, जो ऊपर एरिया लेफ्ट है उसका। तो क्वाड्रेंट का एरिया 352/7 और लेफ्ट कितना है 96/7, दोनों को सबट्रैक्ट कर दें तो कितना मिल जाएगा आपको, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे रीजन का बच जाएगा, किसका, ये डिजाइंड पार्ट का। एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्या किया हमने, पहले हमने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया पूरा, क्वाड्रेंट में से अगर स्क्वायर में से क्वाड्रेंट के एरिया को घटा दिया तो ये पार्ट बच गया, ठीक है, या फिर कहिए तो ये पार्ट बच गया। और इस पार्ट में से अगर ये पार्ट जब बचा तो क्वाड्रेंट में से, ये क्वाड्रेंट था हमारा, उसमें से अगर इसको हम निकाल दिए इतने पार्ट को, तो हमारा ये डिजाइन पार्ट निकल गया। तो वही हमने किया, पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट को घटा दिया तो ये जो लेफ्ट पार्ट है ये हमें मिल गया, ये पार्ट। और जब इसको हमने क्वाड्रेंट में से फिर से घटा दिया तो ये हमें पार्ट मिल गया, कितना, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार थे, अगर आप इनको फिर से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से आपको बता देंगे कुछ अलग तरीके से, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, हम लोग आपके लिए रेडी ही हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो आप और जल्दी से जल्दी सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए, साइड बुक्स को भी देख लीजिए, ताकि हम लोग उस चैप्टर को भी शुरू कर सकें, ठीक है। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।